दोस्तों बिग बॉस हाउस में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो है एल्विस भाई। एल्विस भाई को ही सब लोग टारगेट कर रहे हैं। उसका कारण सिंपल सा है कि जनता जिसको सबसे ज्यादा प्यार कर रही है उसी को पूरे घर वाले मिलके उसी को सिर्फ और सिर्फ सता रहे हैं, उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ साजिशें की जा रही हैं। वो कैप्टन नहीं बन सकते, उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें क्यों? आखिरकार एल्विस के साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है बिग बॉस में? क्या है पूरा माजरा, आइए बताते हैं आपको। स्वागत है आपका विजन हिंदी के एक नए वीडियो में। आज देखेंगे हम लोग कि कैसे बिग बॉस हाउस में सबसे ज्यादा एल्विस यादव को ही सिर्फ और सिर्फ क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों उनके साथ ही इतना ज्यादा गलत किया जा रहा है। पूरा फलक, अविनाश और जिया इन सारे लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ एल्विस के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनके हेल्थ के पीछे, उनके वेल्थ के पीछे, उनके स्वास्थ्य के साथ खेलना, ये सारी चीजें गलत है। अब यहां तक कि जनता को उनकी डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था देखने में। लेकिन यहीं पे अविनाश को टास्क मिलता है कि अगर वो ये तीन काम कर देते हैं तो वो कैप्टन नहीं बनेंगे, और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहा। तो अब एल्विस यादव घर के कैप्टन नहीं बन पाएंगे, जो कि पूजा बन गई हैं अब घर की नई कैप्टन। तो यहां पे तो साजिश से उनको कैप्टन से हटा ही दिया गया। अब उसके बाद एल्विस ने यह भी कहा कि इन सांपों पे भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अच्छाई दिखाते हुए कहीं ना कहीं भरोसा किया और उनका ही गला काट दिया गया। अब इसी के साथ ही जिया ने भी उनके साथ इतना ज्यादा उनके हेल्थ के साथ खेला कि उनके पानी में, उन्होंने एक बार पानी मांगा तो उनके पानी में वो साबुन डाल के दे दी। भाई बंदा प्यासा है, आपसे पानी मांग रहा है पीने के लिए तो आप साबुन डाल के दे दो, ये कहां की बात है भाई? किसी के हेल्थ के साथ खेलना ये गलत बात है, और जो कि जिया ने गलत भी किया। अब कहीं ना कहीं एल्विस की मां का भी इस पर रिएक्शन आया कि तुमको पानी नहीं देना है तो मत दो, ऐसे तो बेटे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जो कि गलत है। अब इसी की वजह से जिया सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रही हैं कि उन्होंने एल्विस को साबुन वाला पानी क्यों पिलाया। अब आज उन्होंने फलक से खाना मांगा तो वो एक एक्स्ट्रा, यानी कि सबको यहां पे गिन गिन के रोटियां बन रही हैं। तो एल्विस भाई, भाई हरियाणा का मुंडा है, उसको ज्यादा भूख लगती है, उसने दो की जगह तीसरा पराठा जैसे अपने प्लेट में रखा खाने के लिए, तो फलक ने कहा कि रोटियां सबको गिन के बनती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं खा सकता। अब आप ही बताओ यार, बंदे को किसी को अगर दो से ज्यादा पराठे खाने की भूख है तो वो खाएगा तो ही ना। अब जैसे ही एल्विस ने अपने प्लेट में एक एक्स्ट्रा पराठा रखा तो फलक ने उनको टोक दिया, और जो कि एल्विस को अच्छा नहीं लगा, और एल्विस ने कहा कोई बात नहीं, एल्विस ने नहीं खाया। बाद में बहुत लोगों ने उनसे कहा कि आप खा लो, लेकिन एल्विस ने कहा कि भाई हम टोकने के बाद खाना नहीं खाते हैं। अब इसी के बाद वो फलक से ये कहते हैं कि मेरा खुद का एनजीओ है जहां पे हम लोग फ्री में खाना खिलाते हैं, और लोगों से ये नहीं पूछते कि तुम दोबारा खा रहे हो या तीन रोटी खाई या चार रोटी खाई, ऐसा हम नहीं पूछते हैं। आप जब भी टाइम मिले फलक जी आपको, तो आप एक बार जरूर हमारे एनजीओ आइए और वहां देखिए हम कैसे लोगों को खाना खिलाते हैं। अब आप बताओ यार, एक बंदा जिसको जनता इतना ज्यादा प्यार कर रही है, सच मानो आप एल्विस को इस समय सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, अब ऐसे में पूरे घर वाले मिलके सिर्फ और सिर्फ एल्विस को ही टारगेट कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अगर आप भी एल्विस के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो यार, और ज्यादा से ज्यादा भाई को ओल्ड करो ताकि लोगों को उसकी पर्सनालिटी और उसके फैन फॉलोइंग के बारे में पता चल सके। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, नई मूवी, नई ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज से जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए विजन हिंदी के नए नए वीडियोस। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।